हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ अपने अंतर मन से एक कविता लेकर के। इस कविता का एक एक शब्द मेरी कलम से लिखा है, अतः आप सभी से हृदय से निवेदन करता हूँ कि अगर यह कविता आप लोगों के हृदय को छू जाए तो दिल के आकार का एक लाइक और एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इससे मेरा हौसला जरूर बढ़ेगा ताकि भविष्य में ऐसी ही तरह की एक से बढ़कर एक कविता मैं लाता रहूं। अतः आरंभ करने से पहले एक और निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्त, रिश्तेदार और चित परिचित लोगों में अवश्य शेयर करें ताकि इस वीडियो को बहुत से ज्यादा लोगों के द्वारा देखा जा सके। इस कविता में जो बातें बताई गई हैं वह हम सभी जो प्राणी हैं इस पृथ्वी पर रह रहे हैं उनके मन की बातें हैं, और अगर ये बातें सही न हुई तो भी आप मुझे कमेंट में जरूर लिख भेजें। बहुत ही बढ़िया पोयम है। एक अंतिम यात्री जो इस संसार से रुखसत हो रहा है, रुखसत का मतलब है विदा हो रहा है, परंतु वह इस संसार के कर्म कांड और उनकी प्रतिक्रियाओं को देखकर बड़ा दुखी होता है और देखते हैं किस तरह से वह अंतिम यात्री अपनी करुण वाणी से सब कुछ बता भी रहा है। तो कविता का नाम भी हमने एक हट करके रखा है और कविता का नाम है अंतिम जंग, द लास्ट वॉर। मृत्यु से ठीक पहले और मृत्यु के ठीक बाद की दशाओं का वर्णन है। संसार की अंतिम क्रियाओं का वर्णन शायद आज तक किसी कविता में ना हुआ हो। ये पहली कविता है जो उन दृश्यों को उजागर कर रही है। तो कविता इस प्रकार है, हम कविता को शुरू करने जा रहे हैं। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से एकाग्रचित होकर के सुनिए, आपको कविता बहुत ही अच्छी लगेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ये मेरी कलम की सबसे पहली लिखी हुई कविता है जो काफी समय के बाद इसे मैं पूरी तरह से रेडी करके आपको समर्पित करता हूं। तो देखिए, अंतिम घड़ी में सोच रहा था सभी खड़े मेरे पास, अंतिम घड़ी में सोच रहा था सभी खड़े मेरे पास, ताकते हुए वो सोच रहे हो मरे सो हो काज। तभी अचानक आया मसीहा चुपके से मेरे पास, पकड़ा हाथ मैं ना माना ले गया अपने साथ। जाते हुए मैं ताक रहा था सभी के चेहरे भाप रहा था मैं बहुत उदास, अंतिम घड़ी में देख रहा था सभी खड़े मेरे पास। मरा ही था कि 15 मिनट में ले आए वो 3 बास, बनाकर सुंदर सैया मेरी बोले ले आओ लाश। गेर कंधे पर चल पड़े लेकर मेरी लाश, अंतिम घड़ी में देख रहा था सभी खड़े मेरे पास। चलते चलते रहा बीबीता सुंदर से सुंदर लगा दी चीता, चलते चलते रहा बीबीता और सुंदर से सुंदर लगा दी चीता। समझा अब जीवन जंग कौन हारा कौन जीता, ना कोई दोस्त ना कोई बेटा, चलते जग में सब कुछ मीठा। अंतिम घड़ी में देख रहा था सभी खड़े मेरे पास। लगाकर आग बैठ गई भड़क उठी ज्वाला की आग, चर चर कर आग बोली आंच लगा मेरे हाथ। बहुत जला ली तूने होली, अंतिम घड़ी में देख रहा था सभी खड़े मेरे पास। तो देखिए क्या कहा है, आग लगाकर बैठ गई भड़क उठी ज्वाला की आग, चर चर कर ये आग बोली आंच लगा तू मेरे हाथ। तूने जला ली बहुत सी होली, चर चर कर आग भी बोली आंच लगा तू मेरे हाथ। बहुत जला ली तूने होली, अंतिम घड़ी में देख रहा था सभी खड़े मेरे पास।
पट पट कर आवाज आती है जब डेड बॉडी को शमशान घाट में ले जाकर के उसको चिता पर रखकर जलाया जाता है, तो अग्नि लगने के बाद जब शरीर झुलसता है आग में तो उससे आवाजें आती हैं, पट पट कर लाश बोली जग की जंग पूरी होली, खाली हाथ आया मैं तो या लाश तेरी होली। तो वो लाश किसको कहती है? अग्नि को कहती है। करके राख भर दे होली, खाली हाथ आया मैं तो या लाश तेरी होली, करके राख भर दे होली। अंत में आग भी ये बोली ले गंगा या तेरी होली, अंतिम घड़ी में देख रहा था सभी खड़े मेरे पास, था मैं बहुत उदास। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, इनको मैं सरल करके आपको बताना चाहूंगा अर्थ क्या है इनका। तो सबसे पहले जो पंक्ति आती है, अंतिम घड़ी में सोच रहा था सभी खड़े मेरे पास, इन पंक्तियों के माध्यम से सत्य जो है वो हमें बताना चाहते हैं। इस संसार में प्रत्येक जीव अपने जीवन की जंग लड़ता रहता है, परंतु जीव सोचता है कि मृत्यु के बाद वह मुक्त हो जाता है, लेकिन सत्य जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीव की एक जंग शेष रह जाती है जो उसके अंतिम क्षणों से शुरू होकर निशान मिटने तक चलती है। सत्य जी कहते हैं कि जब प्राणी अपने जीवन की अंतिम घड़ी में होता है तो वह सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है कि उसके अंतिम क्षणों में उससे मिलने कौन कौन आता है। सत्य जी कहते हैं कि सभी लोग खड़े उसे ताक रहे होते हैं जो अंतिम क्षणों में होता है। और अगली पंक्तियों में कहा गया है, ताकते हुए वो सोच रहे थे मरे सो वो काज, तभी अचानक आया मसीहा चुपके से मेरे पास, पकड़ा हाथ मैं ना माना ले गया अपने साथ। तो यहाँ पर जो मरने वाला होता है वह सबको ताकते हुए अपने मन में सोच रहा है कि सभी उसे देखते हुए मानो अपने मन में सोच रहे हों कि यह मरे तब हम अपने कार्य पूर्ण करें। यह देखकर इस संसार के भंवर में अंतिम यात्री फंस जाता है, तभी वह देखता है एक देवता जैसी सुंदर आभा उसकी ओर चली आ रही है जो एकदम शांत है और उसे अपने साथ चलने को कह रही है, परंतु अंतिम यात्री इस संसार के मोह से निकल नहीं पा रहा था। तभी वह मसीहा उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट पंक्तियों में कहा गया है, मरा ही था कि 15 मिनट में ले आए वो तीन बांस, मरा ही था कि 15 मिनट में ले आए वो तीन बांस, बनाकर सुंदर सैया बोले ले आओ लाश, गेर कंधे पर चल पड़े लेकर मेरी लाश। तो यहाँ आगे इन पंक्तियों में बताया गया है अंतिम यात्री मर चुका है और वह जीवन की जंग पूरी करके मृत्यु की जंग लड़ रहा है। वह ऊपर मसीहा के पास बैठा सब कुछ देख रहा है। अंतिम यात्री अपने मन में सोच रहा है कि मुझे मरे अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि ये संसार के सारे लोग मिलकर के कितनी रफ्तार से मेरी हस्ती मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी सत्य उस जावाज को समझाते हुए कहता है कि निराश ना हो प्यारे, यही तो इस जग का दस्तूर है कि जीते जी की परवाह नहीं और मरने पर जगह नहीं। तब सत्य कहता है कि देखो जीते जी जब तुम्हारी चारपाई की रस्सी टूटी हुई थी तो उसे तो बदलते नहीं थे, परंतु आज तो तुम्हारे ठाठ हैं, क्योंकि देखो कितनी सुंदर से सुंदर तुम्हारी अंतिम सैया सजा रहे हैं। और प्यारे ध्यान से सुन, जीवन भर तुम्हें नाम से पुकारा और अब कह रहे हैं ले आओ लाश, ले आओ लाश। कुछ समझे? यानी अब तुम उनके लिए सिर्फ अब एक लाश हो। फिर सत्य उस अभागे यात्री को समझाते हुए कहते हैं कि देखो बीमार होने पर कभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए, परंतु आज क्या भाग्य है आपका, देखो कंधों पर जा रहे हो। तब सत्य इशारा करता है कि अरे मूर्ख व्यर्थ ही संसार में फंसा है, इतना सब देखने के बाद अपने दिमाग से कुछ सोच
और समझ इस भंवर को। नेक्स्ट पंक्तियों में कहा गया है, चलते चलते राह भी बीता, सुंदर से सुंदर लगा दी चीता, अब समझा जीवन जंग कौन हारा कौन जीता, ना कोई दोस्त ना कोई बेटा, आते यहाँ पर सब है मीठा। तो यहाँ जो आ जाता है उसके जाने के बाद सब कुछ मिट जाता है, कोई दोस्त नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता। अंतिम यात्री बहुत चिंतित है क्योंकि लोग उसकी लाश को कंधे पर उठाकर बड़ी बड़ी तेज गति से मरघट की ओर बढ़ रहे हैं। तब वह यात्री सत्य को कहता है, हे महात्मा देखो चलते चलते राह भी बीत गया है और देखो इन लोगों ने कितनी भव्य चिता तैयार की है। फिर वह यात्री मसीहा से कहता है कि हे प्रभु अगर यही लोग अन्य कार्य से इतना लंबा रास्ता तय करते तो इतनी तेजी से नहीं चलते, परंतु आज ये अपने जीवन की सर्वाधिक गति से चल रहे हैं। यात्री दुखी मन से कहता है कि इस संसार ने मुझे बहुत से एहसास दिए हैं जिन्हें मैं अभी लंबे समय तक भुला नहीं सकता, परंतु ये लोग तो देखो कितनी तेज गति से मेरी अंतिम निशानी यानी मेरी लाश को भी मिटाने जा रहे हैं। फिर अंतिम यात्री मसीहा को बताता है कि हे प्रभु अब मैं समझा हूँ इस जीवन की जंग को कौन हारा और कौन जीता है, और अब मैं जान गया हूँ कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, यहाँ ना तो कोई किसी का दोस्त है ना कोई बेटा, और यह मरघट वह पड़ाव है जहाँ लोग आकर अपने घर के उस व्यक्ति को यहाँ लाकर के मिटाते हैं जो अब उनके काम का नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पहुंचकर सब कुछ समाप्त हो जाता है मिट जाता है। नेक्स्ट पंक्ति कह रही है, लगाकर आग बैठ गए, भड़क उठी ज्वाला की आग, चर चर कर आग बोली, आज लगा तू मेरे हाथ, बहुत जला ली तूने होली। अब तो दुखी आत्मा और भी बेचैन हो उठती है क्योंकि जालिम संसार ने उसकी चिता को आग लगा दी है और उसका बेजान शरीर अग्नि में झुलस रहा है, तथा लोग एक तरफ बैठकर सारी क्रिया देख रहे हैं, और तभी अचानक चिता की ज्वाला इतनी प्रचंड हो जाती है कि मानो वह उस बेजान शरीर से कह रही हो कि तूने अपने जीवन में बहुत सी होली जलाई हैं तथा बहुत आनंद लिया है, और जलती चिता की आग चर चर कर जलते हुए कहती है कि मैं तेरे इंतजार में थी और तू आज हाथ लगा है, तो मैं तुझे बताती हूँ कि होली की आग क्या होती है। लेकिन चिता की आग उस लाश की दुखी आत्मा से कहती है, होगा तुझे दर्द बहुत मगर दवा भी यही है। तब भी वह दुखी आत्मा मसीहा के पास बैठी उन लोगों को देखती है जो बाहर से तो दुखी हैं मगर मन में तगाजा है। नेक्स्ट पंक्ति में कहा गया है, पट पट कर लाश बोली, जंग की जग पूरी होली, पट पट कर लाश बोली, जग की जंग पूरी होली, खाली हाथ आया मैं तो या लाश तेरी होली, करके राख भर दे खोली, अंत में आग भी ये बोली, ले गंगा या तेरी होली। दुखी आत्मा का शरीर पहले तो विनर्म होकर के भड़की ज्वाला यानी कि चितांगनी की बातें सुन रहा था और आग की तपन में तड़प रहा था। वह आग की सभी बातों से सहमत है, परंतु वह आग के द्वारा कही गई अंतिम बात से विचलित है और जवाब में जलता शरीर पट पट की आवाज के करते हुए ज्वाला के आगे घुटने टेक देता है और कहता है कि अब तो मेरी जग की जंग अंत हो चुका है, अब तो मेरी जग की जंग का अंत हो चुका है, मैं इस जग से बुरी तरह हार चुका हूँ और जिया जब तक लोगों से कुछ भी नहीं लिया, अपितु मैंने तो अपना सब कुछ इन लोगों को दे दिया है, और अब मेरे दोनों हाथ खाली हैं, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, मगर ये बेजान शरीर अब तुम्हारा है, चाहे तुम मेरा कुछ भी करो, राख बना कर के खोली में भर दो या मिट्टी में मिला दो।
परंतु ये बात सुनकर अब तो ज्वाला का भी सीना रोने लगा। आग कहती है कि मेरा काम तो केवल जलाना और जलना है, यानी शुद्ध करना है, मैं इतना बड़ा भार नहीं उठा सकती। तब आग ये कहती है कि मेरा तो काम पूरा हो गया और राख बचने के बाद कहती है कि ले गंगा या तेरी होली। अंत में इतना सब होने के बाद वह दुखी आत्मा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी मसीहा उसे कहता है कि प्यारे, मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरी जंग समाप्त हो चुकी है, तू मेरे साथ चल, पर तू नहीं माना। फिर मसीहा कहता है कि मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने ये सब सारा मंजर बड़ी बहादुरी से देखा, तुम इतने कमजोर नहीं हो। अंत में मसीहा उसे एक नसीहत देता है, बंदे कभी भी दुख को मत ठुकराना, क्योंकि दुख ही इस ब्रह्मांड में हमारा सच्चा साथी है। क्योंकि सुख थोड़ा दुख ज्यादा, सुख के बाद दुख भी आता है, और दुख से दोस्ती कभी भी सुख के खोने का दर्द नहीं देती। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी एक ज्वलंत और अपने अंतर्मन से लाई गई एक पोयम। तो आपको कमेंट करके प्यारा से कमेंट करना है और मुझे बताना है कैसी आपको ये पोयम लगती है, और दिल के आकार का एक लाइक भी जरूर करना है। जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल सके। तो मैं हाजिर हो जाऊंगा फिर से एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन पोयम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।